नमस्कार, मैं हूं संतोष और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वार्ड सचिव केस का जो जजमेंट कॉपी है अभी तक मिला या नहीं मिला, आइए इसको ऑनलाइन पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट के माध्यम से चेक करते हैं। पटना हाई कोर्ट के इस वेबसाइट पर जाकर वार्ड सचिव का जो केस नंबर है 2538 और जो वर्ष है जैसे 2021, उसे आप फिलअप करके केस पर क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी को पता है 21 मार्च 2022 को वार्ड सचिव केस को डिसमिस कर दिया गया था। वजह जानने के लिए सभी वार्ड सचिव कोर्ट का जजमेंट कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक कोर्ट का जजमेंट कॉपी वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया है, जैसा कि इस वेबसाइट पर चेक करने के बाद दिख रहा है। जजमेंट कॉपी अपलोड कर देने के बाद यहां से आप सभी आसानी से डाउनलोड कर देख सकते हैं। वार्ड सचिव संघ के प्रदेश महासचिव राजनंदन कुमार आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा पटना के डाक बंगला चौराहा पर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वहां पहुंचकर उस धरने के बीच वो भी अपने कुछ साथियों के द्वारा धरना प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। उनका कहना है कि हम दिल्ली क्यों जाएं, यानी जो वार्ड सचिव संघ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात की जा रही है उसको लेकर वे बोल रहे हैं कि हम दिल्ली क्यों जाएं, हम लोगों ने बिहार में काम किया है तो हम लोगों को बिहार से न्याय मिलना चाहिए, तो न्याय के लिए हम दिल्ली क्यों जाएं। बिहार के वार्ड सचिव सरकार और न्यायालय पर ही आश्रित हैं, उनके द्वारा अभी तक सरकार या कोई कोर्ट के खिलाफ कोई आपत्तिजनक कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन अगर पुराने वार्ड सचिवों को न्याय नहीं मिला तो वे आगामी चुनाव में बगावत कर सकते हैं, जैसा कि वार्ड सचिवों के द्वारा पहले बताया जा चुका है। फिलहाल बिहार के 114,691 वार्ड सचिवों को जजमेंट लेटर का जो कॉपी है उसका इंतजार है, उसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट की ओर जा सकते हैं। और भी बहुत सारी वार्ड सचिवों को लेकर जानकारियां मिलती रहेगी। उसके लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और नीचे जो बेल का आइकन है उसे दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।